दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि दीक्षा ऐप को अब मानव संपदा पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। दोनों ऐप को अब आपको मर्ज करना होगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक अपने दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज नहीं किया है। इसके बाद आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 26 अगस्त से पहले आपको दीक्षा ऐप पर एक ट्रेनिंग करनी है। तो एक नई ट्रेनिंग आ गई है यहाँ आप लोगों को, जो 26 अगस्त से पहले करनी है। उस ट्रेनिंग का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम लोग दीक्षा ऐप पे, और दीक्षा ऐप पे हम लोग सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। तो यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद कोर्सेस यहाँ पे रहेगा। कोर्सेस में आप क्लिक करेंगे, कोर्सेस में जैसे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो सर्च का ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आप जाके टाइप कर दीजिए। केवल आप इंट्रो भी डाल देंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य नाम का ये एक ट्रेनिंग शो करेगा। इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपके 3 एपिसोड हैं और 1 प्रेरणा क्विज है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए हम भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले एपिसोड को जैसा कि आप सभी तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य पहले एपिसोड में आपको जो है कक्षा 1 में भाषा और गणित का प्रेरणा लक्ष्य बताया गया है। तो आपको पता ही होगा भाषा में 5 अक्षर पहचानने हैं और गणित में 5 संख्याएं पहचाननी हैं। तो ये है प्रेरणा लक्ष्य एपिसोड 1 में। उसके बाद दूसरा हम लोग ओपन करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे, दूसरा एपिसोड। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, तो यहाँ पे मैंने दूसरा एपिसोड भी कंप्लीट कर लिया है। दूसरे एपिसोड में आपको कक्षा 2 और 3 के भाषा और गणित के लक्ष्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद तीसरा एपिसोड है जिसमें आपके जिसको मैं कंप्लीट करूँगा। देखिए आप यहाँ पे 50% ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए तीसरा भी कर लेते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद कुछ ऐप की दिक्कत है, वरना मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगा। ये आपका प्रेरणा लक्ष्य क्विज है। तो इसमें आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न कि प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये आपका भाषा और गणित है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद है कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो निर्धारित सूची से भाषा में 10 शब्द, ये तो गलत है। दूसरा, निर्धारित सूची से भाषा में 5 शब्द और गणित में 10 अंक की सही पहचान, ये भी गलत है। तीसरा, निर्धारित सूची से भाषा में 10 शब्द, गणित में 5 अंकों की संख्या, ये भी गलत है। चौथा, निर्धारित सूची से भाषा में 5 शब्द व गणित में 5 अंकों की पहचान करना, तो आपका सही आंसर है चौथा वाला। तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद कक्षा 2 के लिए है।
अगला प्रश्न है, कक्षा दो के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो इसमें होता है कक्षा दो में 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ते हैं और गणित में जोड़ घटाव बिना हासिल के 75% प्रश्नों को सही करते हैं। तो ये ऑप्शन है आपका दूसरा वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद है, प्रेरक लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ब्लॉकों को प्रेरक लक्ष्य घोषित किया जाएगा। जिस जनपद के सभी ब्लॉक प्रेरक घोषित हो जाएंगे उसे प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। जब राज्य के सभी जनपद प्रेरक घोषित हो जाएंगे तो राज्य को प्रेरक राज्य घोषित कर दिया जाएगा। पूरे राज्य को प्रेरक घोषित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये मार्च 2022 है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कक्षा चार के गणित विषय में निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है 75% और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। प्रत्येक कक्षा के लिए गणित में निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों के आधार पर कक्षा का सबसे उपयुक्त शब्द के साथ मेल करें। तो कक्षा एक में जोड़ एवं घटाना बिना हासिल का, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। दो में जोड़ और घटाना हासिल के साथ, ठीक है। और भाग जो होता है वो पाँच में होता है और गुणा चार में होता है। इस तरीके से आपका कक्षा एक में जोड़ घटाना बिना हासिल का, दो में जोड़ घटाना हासिल के साथ, और कक्षा तीन में आएगा संख्याओं की पहचान, कक्षा तीन में संख्याओं की पहचान, चार में गुणा और पाँच में भाग। इस तरीके से इसको मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाएं। तो प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, तो लिखेंगे पहले हम प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, क्लिक करते जाइए, ये टाइप होता चला जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। भाषा में अनुच्छेद 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, तो और गणित में जोड़ घटाव के हासिल 75% शब्दों प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए है? तो ये कक्षा तीन के लिए है, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कक्षा पाँच के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार बच्चे भाषा में बड़े अनुच्छेदों पर आधारित, तो पचहत्तर प्रतिशत प्रश्नों को सही कर पाते हैं और गणित में गुणा भाग भाग के, है ना, पांच के लिए है, तो पांच में भाग है और चार में गणित है। अब इसको आगे बढ़ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप दिखा रहा है और टोटल आंसर नो और टोटल क्वेश्चन नो। इसके बाद इसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेंगे कौन सा मेरा स्किप हो गया है। चलिए सबमिट कर देते हैं। तो यू कैन रीड द असेसमेंट प्रोमिड योर स्कोर। चलिए इसको एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू हैव फिनिश दिस मॉड्यूल, ये लिख के आ गया है पहला कुछ, और आप ऊपर देखेंगे तो अभी हमारा 75% ही पोर्शन कंप्लीट हो पाया है, क्योंकि
तीसरा जो एपिसोड है वो मेरा अभी सही से चल नहीं रहा है, तो अभी ये तीसरा वाला एपिसोड आपको कंप्लीट करना है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो आप इसको बाद में ट्राई करिएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क की, इसकी वजह से नहीं होता है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 5 सितंबर 2019 को माननीय प्रेरणा प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। इस प्रोग्राम को गहराई से समझने के लिए विभाग द्वारा एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की गई है। आप सभी का इस वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में स्वागत है। मिशन प्रेरणा प्रोग्राम का महत्वपूर्ण पहलू है प्रेरणा लक्ष्य, जिसमें इस प्रोग्राम के उद्देश्य उल्लेखित है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है कि 2022 तक प्राथमिक स्कूल के सभी बच्चे और इस डॉक्यूमेंट में कक्षा 1 से 5 तक भाषा एवं गणित से संबंधित दक्षताएं परिभाषित हैं। इस एपिसोड में हम कक्षा 4 और 5 के भाषा और गणित की दक्षताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले कक्षा 4 में भाषा से संबंधित दक्षता को जानें। अगर कक्षा 4 का बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उस पे आधारित प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही से उत्तर दे सकता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम कक्षा 5 में भाषा की दक्षता को समझेंगे। अगर कक्षा 5 का बच्चा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उस पे आधारित प्रश्नों में से 75% प्रश्नों को सही से उत्तर दे सकता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब कक्षा 4 और 5 में गणित की दक्षता को समझने की बारी है। पहले कक्षा 4 में गणित की दक्षता को समझते हैं। अगर कक्षा 4 का बच्चा दिए हुए गुणा के प्रश्नों में से 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। अब हम कक्षा 5 के गणित की दक्षताओं को समझेंगे। अगर कक्षा 5 का बच्चा दिए हुए भाग के प्रश्नों में से 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाता है, तो उसने प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लिया है। तो ये थी कक्षा 4 और 5 की दक्षताएं। आप प्रेरणा लक्ष्य को वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं, बैक होते हैं, तो देखिए आ गया यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो इस तरीके से आपके भी स्क्रीन पे ये आ जाएगा। अब आप जैसे ही पीछे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिख के आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। अब तीनों जितने भी कोर्स थे एपिसोड, उस पर ये टिक लग के आ जाएगा, सारे कुछ भी हो गया। तो इसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल पे जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल को ओपन करेंगे, प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे अपने कोर्स जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले 14 कोर्स थे, 15 कोर्स हो गए हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन प्रेरणा लक्ष्य, ये देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन प्रेरणा लक्ष्य ऑन गोइंग दिखा रहा है अभी। हालांकि ये कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अभी ये ऑन गोइंग दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने प्रेरणा लक्ष्य के इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।